बीते दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा द्वारा दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने इसे सामान्य शिष्टाचार बताया है, लेकिन जिस प्रकार से इनेलो की तरफ से संकेत आ रहे थे उससे यही लगता है कि इनेलो अध्यक्ष पूरी तरह से सच ही बोल रहे हैं। याद रहे कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भी पिछले दिनों यह संदेश दिया था कि वह भाजपा से भी गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि तब फौरी तौर पर भाजपा ने गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए जोरदार खंडन किया था। इसके बावजूद कुछ ऐसे राजनीतिक हालात बने कि है आधार और मजबूत हुआ कि जरूर इनेलो व भाजपा में कुछ न कुछ पक रहा है। याद रहे कि हाल ही के विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार के एक मंत्री अनिल विज ने अभय सिंह चौटाला को अल्पमत में बताते हुए नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने का एक तरह से माहौल बना ही दिया था। यहां तक कि विधायक नैना चौटाला ने विधानसभा में यह कह दिया था कि वे जेजेपी पार्टी से हैं, इसलिए उन्हें अलग सीटें अलॉट होनी चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हस्तक्षेप करते हुए अनिल विज व जेजेपी के दावों की जांच कर लेने की बात कही थी। इसके बावजूद भाजपा सरकार द्वारा वे चौटाला के नेता प्रतिपक्ष पद को निरापद बनाकर रखने से यह सवाल स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ है कि आखिर भाजपा अभय सिंह चौटाला के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों बनाए हुए है। अब बीते दिन अशोक अरोड़ा द्वारा मुख्यमंत्री से वार्तालाप करना और इसे शिष्टाचार भेंट बताना लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कल की मुलाकात है, मैं दिल्ली एक विवाह में गया हुआ था, हरियाणा भवन रुका हुआ था। हरियाणा भवन से जब नीचे आया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुझे मिल गए, शिष्टाचार के नाते मैंने उनको नमस्कार किया। मैंने कहा प्रधान जी कैसे आए हो, मैं शादी में हूँ, चाय पीते हो, चाय पीने बैठ गए। और इस प्रकार की अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं वो बहुत कमजोर लोग हैं, उनको अशोक अरोड़ा के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता। अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी देवीलाल के साथ समय से जुड़ा हुआ है और आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम अपनी पार्टी को मजबूत करने पर लगे हैं। इस प्रकार की जो अफवाहें फैलाते हैं मैं नहीं समझता, सिर्फ वो अपनी टेलीविजन पे किस प्रकार लोग ज्यादा देखें, अखबार को ज्यादा लोग पढ़ें, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। याद रहे कि इनेलो में जब से दरार पड़ी है और जींद उपचुनाव में जिस प्रकार से इनेलो को राजनीतिक रूप से चोट मिली है, उस घटना से सबक लेते हुए इनेलो की आंतरिक रणनीति कदाचित यह हो सकती है कि जब बड़ा शत्रु जेजेपी है तो छोटे शत्रु भाजपा से हाथ मिलाने में क्या बुराई है। संभव है इस चाणक्य नीति का अनुसरण करते हुए इनेलो जहां अपने कैडर को सत्ता के एहसास से जोड़े रखना चाहती है, वहीं जेजेपी को भी येन केन प्रकार रेड सबक सिखाना चाहती है। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.